वेलकम एवरीवन, माय नेम इज रोहित बाबरा। आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ आयरिश पॉल्ट्स में, जो कि एक लग्जरी प्रोजेक्ट है। ये पड़ता है आपका सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में इन स्पोर्ट सिटी। मैं आप लोगों को बता दूं, ये एक लग्जरी प्रोजेक्ट है। अगर मैं फ्लैट की बात करूँ स्पेशली, तो इसकी जो सीलिंग हाइट है, जो फ्लैट की सीलिंग हाइट है, वो आपने कभी नहीं सुनेगी, जो कि है 11 फीट। 11 फीट की आपको सीलिंग हाइट मिल रही है, 8 फीट की आपको डोर हाइट मिल रही है। और मैं बता दूं आप लोगों को, इसमें 6 फीट वाइड बालकनीज हैं। और इसके अलावा अगर आप ज़्यादा, मैं आपको एक रेफरेंस दूं, तो आपने राइज लग्जरी विला सुने होंगे, तो उसी के साइड में ये प्रोजेक्ट है। काफ़ी अच्छी लोकेशन है और ये प्रोजेक्ट जो है रेडी टू मूव इन नहीं है। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, ये प्रोजेक्ट जो है बिल्डर बोलते हैं डिलीवर करेंगे 2024 में। सो एक राइट अच्छी एक इन्वेस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि जब कोई रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको जो पर स्क्वायर फुट रेट होते हैं वो कम मिलते हैं। सो अनडाउटेडली ये एक लग्जरी प्रोजेक्ट है। आपको मैं फ्लैट टूर देने वाला हूँ, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप एक बार फ्लैट का टूर ले लीजिए। जो भी कोई भी नेसेसरी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, वो मैं सबसे पहली बात तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और अपना नंबर भी डाल दूंगा। इन केस आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, किसी भी तरीके से कोई विजिट करना है, तो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कर लेते हैं फ्लैट का टूर। ये हो गई हमारे सैंपल फ्लैट की एंट्री। एंट्री गेट की जो हाइट है वो 8 फीट है, आप देख सकते हैं। मूव करते हैं अंदर, ये आपका पैसेज एरिया हो गया, सामने ड्राइंग एरिया है और सीलिंग हाइट है 11 फीट। जैसे ही मूव करेंगे राइट हैंड साइड पे आपका पहला रूम पड़ जाता है। पहले रूम की अगर मैं साइज की बात करूं, तो वो 10x12.9 का साइज है, सीलिंग हाइट 11 फीट, सामने बालकनी एंड वॉशरूम। चलिए मूव करते हैं वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम के साइज की अगर मैं बात करूं, तो 5x7 का इसका साइज है। और जितनी भी इसके अंदर सैनिटरी यूज की गई हैं, इस फ्लैट के अंदर सैनिटरी यूज की हैं, सभी वॉशरूम में अमेरिकन स्टैंडर्ड की सैनिटरी यूज की गई हैं। मैं आपको इधर से भी दिखा देता हूं वॉशरूम कैसा दिखता है। ये अगेन आपका रूम हो गया। वॉशरूम के साइड में ही आपकी बालकनी पड़ती है। ये बालकनी काफी बड़ी है, इसका साइज है 11.6x6। और ये बालकनी आपकी कनेक्ट करती है ड्राइंग एरिया से भी, आप देख सकते हैं काफी वाइड। चलिए मूव करते हैं आगे, ड्राइंग एरिया की तरफ चलते हैं। जैसे ही हम राइट मुड़ेंगे, तो ये अपना ड्राइंग एरिया आ जाता है। सीलिंग हाइट 11 फीट, अगेन ये आपका ड्राइंग एरिया हो गया। सामने जो है बालकनी है, जो मैंने फर्स्ट रूम में आपको दिखाई थी, जो कि कॉमन है। एक बार और देख लेते हैं, इसका साइज मैं आप लोगों को बता चुका हूं, 11.6x6 का साइज है। एक बार और देख लेते हैं, ये अपना ड्राइंग एरिया हो गया, ये अपना हो गया डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया की अगर मैं साइज की बात करूं, तो 8x10 का इसका साइज है। इसी के ही साइड में अपना किचन है, किचन का साइज की अगर मैं बात करूं, तो 10x8 का साइज है। एल शेप में किचन है, काफी स्पेशियस वाइड किचन है, आप देख सकते हैं। इसी के राइट हैंड साइड में ही आप ये जो देख रहे हैं यूटिलिटी बालकनी है, और बालकनी का जो साइज है वो 6x7.3 का साइज है। ये पैसेज एरिया हो गया अदर रूम्स में जाने का। सो एक बार और देख लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका सेकंड रूम पड़ जाता है। सो ये आपका सेकंड रूम है। सेकंड रूम की अगर मैं साइज की बात करूं, तो 10.2x12 का साइज है, विच इज अ डिसेंट साइज। इस तरीके से आपका रूम ये दिखेगा। सामने बालकनी है, ये आपका वॉशरूम है। सो वॉशरूम में चलते हैं। वॉशरूम का साइज मैं आप लोगों को बताऊं, तो 7.6x5 का साइज है, विच इज अ गुड साइज। एक बार मैं इधर से भी आपको व्यू दिखा देता हूं,
अगेन सैनिटरी जितनी भी यूज है, अमेरिकन स्टैंडर्ड की सैनिटरी यूज की गई है इसमें। सो ये रूम हो गया अगेन फिर से। चलिए बढ़ते हैं बालकनी की तरफ। बालकनी की अगर मैं साइज की बात करूं तो 6x6.3 की बालकनी है। चलिए मूव करते हैं थर्ड रूम की तरफ। थर्ड रूम कह सकते हो आप उसको, या फिर मास्टर बेडरूम कह सकते हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा रूम है यहाँ पे। सो इस रूम की अगर मैं साइज की बात करूं तो 11.6x15 का साइज है। सामने आपकी बालकनी, सो काफी बड़ा और काफी स्पेशियस रूम है। सामने जो आप देख रहे हैं ड्रेसिंग एरिया है ये। सो चलते हैं बालकनी एक बार देख लेते हैं इसकी। जो इस रूम की बालकनी है ये काफी बड़ी बालकनी है, ये दो रूम से कनेक्ट करती है, फोर्थ रूम से भी ये बालकनी कनेक्ट करती है, कॉमन बालकनी है। इसका साइज है 24x16, काफी बड़ी बालकनी है। चलिए मूव करते हैं ड्रेसिंग एरिया की तरफ। ड्रेसिंग एरिया की अगर मैं साइज की बात करूं तो 6x5.9 का साइज है इसका। और इसमें वार्डरोब दी गई है, स्लाइडेड डोर है उसमें, एक साइड वार्डरोब की ये हो गई है। मैं डोर स्लाइड करके आपको दिखाता हूं उसकी दूसरी साइड भी। सो ये उसकी दूसरी साइड हो गई। सीलिंग हाइट तक इसकी हाइट दी गई है वार्डरोब की, सो काफी स्पेशियस, काफी बड़ी है। इसी के ही जस्ट सामने आपका वॉशरूम आता है। वॉशरूम की अगर मैं साइज की बात करूं तो 6x9 का इसका साइज है, काफी बड़ी वॉशरूम है। अमेरिकन स्टैंडर्ड की सैनिटरी यूज की गई है इसमें। तो चलिए मूव करते हैं बाहर। अगेन एक बार और देख लीजिए, ये आपका मास्टर बेडरूम था। सो मूव करते हैं अपने फोर्थ रूम की तरफ। ये कॉमन वॉशरूम है। सो ये हो गया फोर्थ रूम। फोर्थ रूम की अगर मैं साइज की बात करूं तो 10.6x11.9 का साइज है। ये सामने बालकनी है, सामने वार्डरोब है, ये आपका इस तरीके से रूम दिखता है। सो वार्डरोब में ट्रिपल डोर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं काफी हाइट जो है सीलिंग हाइट तक है। ये बालकनी है जो कि थर्ड रूम से कनेक्ट करती है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ साइज इसका 24x6। ये सामने आपका वॉशरूम हो गया जो कि इस रूम से कनेक्टेड है, प्लस ये कनेक्टेड है आपका ड्राइंग एरिया वगैरह से। अगर कोई गेस्ट आते हैं तो बाहर से रूम में ना आए, बाहर से ही एक्सेस कर लें। सो बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फ्लैट इज की हाइट जो है 11 फीट है, जिससे कि फ्लैट बड़ा स्पेशियस दिखता है, काफी स्पेशियस दिखता है। सो अगेन एक बार और देख लेते हैं इस रूम को, फोर्थ रूम को। आपको सब कुछ एज इट इज मिलने वाला है, जो भी चीज आपने यहां पे इस फ्लैट में देखी है अभी। सो अगेन बाहर की तरफ चलते हैं। अपने किचन सामने आपको दिख रहा है, इसी के साइड में डाइनिंग और सामने ये ड्राइंग एरिया हो गया। सो चलिए मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूं। थैंक यू सो मच।